आईपीएल सीजन 13 के 8वें मैच में शनिवार को कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच टक्कर देखने को मिलने वाली है। इन दोनों ही टीमों के लिए आईपीएल 13 का आगाज अच्छा नहीं रहा था। कोलकाता नाइट राइडर्स को जहां अपने पहले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ 49 रन से हार नसीब हुई थी, तो वहीं वार्नर की अगुवाई वाली सनराइजर्स हैदराबाद बेहद ही रोमांचक मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से मात्र 10 रनों से हार गई थी। लेकिन 8वें मुकाबले में जीत दर्ज करने वाली टीम पॉइंट्स टेबल में अपना खाता खोलने में कामयाब हो जाएगी। ऐसे में दोनों टीमों की निगाहें इस मैच को जीतने पर रहेगी। पहले मैच में हार के बावजूद सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में कोई बड़े बदलाव होने की संभावना नहीं दिख रही है। हैदराबाद की टीम में हालांकि कमजोर मिडिल ऑर्डर को देखते हुए केन विलियमसन की वापसी हो सकती है, लेकिन मैच से पहले उनका फिट होना भी जरूरी होगा क्योंकि वार्नर ने पहले मुकाबले के बाद उनके चोटिल होने की जानकारी दी थी। टीम में एक और बदलाव संदीप शर्मा को लेकर देखने को मिल सकता है, जो कि पहले मैच में काफी महंगे साबित हुए थे। वहीं बात करें कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो टीम में कोई बदलाव दिखते हुए नहीं नजर आ रहे हैं। मुंबई इंडियंस के खिलाफ करारी हार झेलने के बावजूद कप्तान दिनेश कार्तिक ने अपने खिलाड़ियों पर भरोसा कायम रखा है। दिनेश कार्तिक का कहना है कि सिर्फ एक मैच के आधार पर खिलाड़ियों को टीम से बाहर नहीं किया जा सकता है। कार्तिक ने पहले मैच में फ्लॉप रहने वाले मॉर्गन और कमिंस का भी पक्ष रखा है। अब आइए जान लेते हैं कि आज अबुधाबी में खेले जाने वाले मुकाबले में दोनों ही टीमों में से कौन कौन खिलाड़ियों को जगह मिल सकती है। पहले बात करते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स की, तो टीम में दिनेश कार्तिक कप्तान हैं, सुनील नारायण, शुभमन गिल, नीतीश राणा, एयोन मॉर्गन, आंद्रे रसेल, निखिल नायक, पैट कमिंस, कुलदीप यादव, संदीप वारियर, शिवम मावी जैसे खिलाड़ी खेल सकते हैं। तो वहीं सनराइजर्स में डेविड वार्नर कप्तानी करेंगे, जिनके साथ जॉनी बर्स्ट्रो, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, अब्दुल समद, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, खलील अहमद, भुवनेश्वर कुमार और संदीप शर्मा टीम में शामिल हो सकते हैं। आईपीएल की पूरी कवरेज आप हमारे साथ जुड़कर देखते रहें और हमें लाइक जरूर करें।